55 से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े व साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एक ही छत के नीचे। किड्स वेयर, गर्ल्स वेयर, लेडीज वेयर, मेंस वेयर, राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदा बाबू कॉम्प्लेक्स दमोह बाजार से कम कीमत पर उपलब्ध। होम शॉपिंग शोरूम शादी विवाह के संपूर्ण फर्नीचर के साथ आपके घर को सजाना, फर्नीचर की अच्छी रेंज के साथ बाजार से कम दामों की गारंटी। हमारा पता हटा रोड हटा नाका गुलाब बाबा मंदिर के बाजू में दमोह। एक बार अवश्य पधारें। गद्दे, चादर, पर्दे, डोरमेट, सोफे की गद्दी व कवर, दोहर, कंबल, रजाई मिलने का स्थान अप्सरा इंटरप्राइजेज बजाजी लाइन दमोह। दमोह जिले के हटा थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 2/5 को ककरई बाड नवोदा बाड में किराए के मकान में रहने वाले धर्मेंद्र सिंह लोधी को अज्ञात लोगों के द्वारा आंखों में मिर्ची पाउडर मारने के बाद चाकू से हमला किया गया था, जिसके बाद धर्मेंद्र लोधी की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के पिता जगत सिंह लोधी की रिपोर्ट पर थाना हटा में अज्ञात आरोपियों गया था, जिसके बाद पुलिस लगातार आरोपियों की तलाश कर रही थी। प्रकरण की विवेचना के दौरान संकलित साक्ष्य, मुखबिर की सूचना आदि के आधार पर तथ्य सामने आया कि मोनू चक्रवर्ती, जो कि दमोह का निवासी है, जिसकी रिश्तेदारी हटा में है, मोनू के रिश्तेदार की बुराई धर्मेंद्र लोधी से थी, जो मोनू के द्वारा अपने साथी नीरज कुमार उर्फ नीरज मटका, प्रवेश यादव इरफान उर्फ रिफू, अमन रजक एवं विशाल रैकवा के साथ मिलकर धर्मेंद्र लोधी की हत्या का षड्यंत्र रचा। सुनियोजित तरीके से तहत मोनू चक्रवर्ती अपने साथियों के साथ दिनांक 2/6 को 2 मोटरसाइकिल से हटा पहुंचा था, जहां घटना को अंजाम दिया गया था। पुलिस के द्वारा हटा में पत्रकार वार्ता के दौरान विस्तार से जानकारी देते हुए क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो गई है, वहीं 2 आरोपी अब भी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। घटना को अंजाम देने वाले 6 ही आरोपी दमोह जिले के हैं, दमोह के निवासी हैं, जिनमें से 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है, वहीं 2 अन्य आरोपियों की पुलिस के द्वारा तलाश की जा रही है। एक आंखों में मिर्ची डालकर हत्या का प्रयास कुछ अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा किया गया। उस ये सूचना प्राप्त हुई, सूचना के प्राप्त होने के बाद से ही हमारा पुलिस बल संबंधित थाने के थाना प्रभारी और उनका स्टाफ सक्रिय हुए और उन आरोपियों तक पहुंचने के लिए जिन्होंने आंखों में मिर्ची डाल के हत्या करने का प्रयास किया था। दुर्भाग्यपूर्ण के वह व्यक्ति हत्या के प्रयास जिसको हम कह रहे हैं वो हत्या में परिवर्तित हुआ, उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। जरूर इस तरह हम लोगों ने उस 307 के लिए 302 में परिवर्तित किया और अज्ञात व्यक्तियों की जिन्होंने आंख में मिर्ची डाल दी हत्या की थी। जब हम लोग कि उस हत्या का कारण एक अनैतिक संबंध की परिकल्पना को लेके किया गया, मतलब ऐसी केवल संभावना थी कि ऐसा हुआ होगा, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं। आरोपियों की पूछताछ के बाद जो चीज सामने आई है, 6 आरोपी दमोह के रहने वाले हैं, किसी इस अज्ञात कारण के कारण या जिसको हम परिकल्पना शब्द कह रहे हैं उसकी धारणा को लेते हुए किसी व्यक्ति ने यह सोच बनाई कि उन्होंने ऐसा किया होगा, इस आधार पर इस बात के इसलिए अंदाजा लगाया जा रहा है कि आरोपियों ने सबसे पहले उसके बड़े भाई का नाम लिया है कि भाई है क्या, इसलिए संतान लगा रहे हैं। हमारा जो फरियादी पक्ष है या मृतक का जो परिजन है वो इस बात को बता रहे हैं कि पहले उन्होंने उसके बड़े भाई का नाम लिया है कि वो है क्या, और उसकी जगह जब मृतक बाहर निकला तो मृतक के साथ घटना हुई, लेकिन अभी तक ऐसा कोई एविडेंस या साक्ष्य ऐसी हमारे लिए प्राप्त नहीं हुई जिससे हम देख ऐसा कि हत्या किसी और की होना थी वो किसी और की। पति का अध्ययन का समय लेकर सब सूत्र क्लियर हो गए हैं, सबके परिजनों की जानकारी हुई है, सबके रिश्तेदारों की जानकारी हुई है, जितने आरोपी नहीं मिले उनके सारे रिश्तेदारों के यहाँ एक एक करके कोतवाली पुलिस, देहात थाना पुलिस, हमारे हटा थाने की पुलिस लगातार सब पे दबिश दे रही है, तो बहुत जल्दी मंजूर या तो फेस हो जाएगा आना तो पकड़ है। अंधे कत्ल का पर्दाफाश करने वाले थाना प्रभारी और थाना प्रभारी का स्टाफ और हमारा साइबर सेल स्टाफ और उसने लेखनी कार्य किया है, उसे पुलिस अधिकारी ने 10,000 रुपये इनाम देने की घोषणा
पूर्व से ही कर रखी है और उन व्यक्तियों को चिन्हित कर लिया गया है जिन्होंने अच्छा काम किया है, उनको वह 10,000 रुपये की राशि जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा स्वीकृत की गई है उनके कदवार पदभार वितरण किया गया। कोई भी गिरफ्तारी करने में हमें सफलता प्राप्त हो गई, हमारे थाना प्रभारी ने भी बताया कि उसको भी हमने गिरफ्तार कर लिया है, अभी उसको न्यायालय नहीं भेजा, उससे पूछताछ करेंगे, पूछताछ के बाद उसको न्यायालय भेजा। इस अंधे हत्याकांड का खुलासा करने में हमारे थाना प्रभारी और उनका स्टाफ ने सराहनीय काम किया है, वो धन्यवाद के पात्र हैं। और उसके साथ में आप हमारे इस माइक के सामने जितने पत्रकार बंधु बैठे हुए हैं उन्होंने भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सूचनाएं देने में बहुत अच्छा काम किया है, मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। और मैं मुझे कहने में बिल्कुल संकोच नहीं है कि हमारे सामने बैठे बंधुओं के द्वारा जो प्रयास किए गए दुनिया को निकाला है उसमें भी हमें सफलता मिली। महिला से अवैध संबंध बनाने का प्रयास किसके द्वारा किया जा रहा है, कौन द्वारा? देखिए ये मात्र परिकल्पना है और परिकल्पना के आधार पर इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, जब तक हमारे पास कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते तब तक यह कहना बेमानी होगा कि किसी से अवैध संबंधों के कारण ऐसी हत्या हो। अब जब मैं मुख्य आरोपी मोनू जो इस घटना का मुख्य आरोपी है वो भी हमारे पहुंच से दूर है, वो जब सामने आता है तब हमें ये पूरा परिस्थिति जिसको पिक्चर सामने आएगी घटना के पीछे कौन है। सर 5 जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं इनसे कुछ खुलासा हुआ है, पैसे लेकर हत्याकांड किया है, क्या वजह थी? नहीं, पैसे लेकर हत्या करने का कोई खबर सामने नहीं है, ना ऐसे इन्वेस्टिगेशन पहुँचा है। ये आरोपी आपस में रिश्तेदार हैं या दोस्त? दोस्त, सभी लोग दोस्त हैं, आपस में कोई रिश्तेदार नहीं है और एक ही मोहल्ले के रहने वाले। और एक और महत्वपूर्ण बात बताना, ये 6 आरोपियों में से एक भी आरोपी ऐसा नहीं है जिसका पूर्व कोई रिकॉर्ड, मतलब वो अपराधी रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए अपन ये भी कह सकते हैं कि क्या उनके दिमाग में बैठ गया अचानक तो उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया। सर आरोप कैसे की घटना का बताएंगे सीक्वेंस क्या था? घटना का सीक्वेंस ये है कि जो व्यक्ति दमोह से चला है मोनू ही इन 5 लोगों को एकत्र किया है, अपना प्लान उसने ऊपर न करते हुए केवल इस बात को ऊपर किया कि हमें किसी शादी में शामिल होना है, यहाँ पे उस शादी में शामिल करने के उद्देश्य से अपने मित्रों को यहाँ पर लेकर आए। और उनमें से केवल मोनू को यह बात मालूम थी कि हम क्या करने जा रहे हैं, अन्य किसी व्यक्ति को ये नहीं मालूम था उस समय तक जब तक वो घटनास्थल पर पहुँचे। जब घटनास्थल पर पहुँचे हैं तब उनमें से एक व्यक्ति जिसने चाकू चलाया एक करोड़ बजट उसने इस बात को स्वीकार किया है कि जब आंखों में मिर्ची, यादव ने आंखों में मिर्ची डाली तो मैंने उसको चाकू मारा। रजक ने चाकू मारा, जिसने पर्टिकुलर हथियार का प्रयोग किया है वो रजक। जो जैसे कि बता रहे थे पहले